ठीक है, तो मैं महापुरुषों की तरह लेक्चर तो देने नहीं आई, बहुत सारी कमियां हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, अभी तक भी हमारे लोग एकजुट नहीं हुए, तब से कोई ऐसे मिलकर एक साथ आवाज नहीं उठी है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो मिशन जय भीम जैसे बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती है, वोट कर नहीं आई है, इसकी कमी है, एकजुटता की कमी है। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, एक जो मैसेज था माननीय मंत्री जी का कि आज वाल्मीकि जयंती उनके प्रांगण में मनाई जाएगी, इसको मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वैसे तो बौद्ध जी ने सब कुछ बता दिया, कहाँ चले गए वो बैठे, बता दिया सब कुछ। मैं यही कहना चाहूँगा, दो शब्द रखूंगा, तार्किक रखूंगा, वैसे नहीं रखूंगा, कि संतान दो तरह की होती है, एक लायक और एक नालायक। लायक संतान बाप के कार्यों को आगे बढ़ाती है, उसका नाम रोशन करती है, और नालायक संतान उनके किए हुए कार्यों को मिटाती है और उनका नाम बदनाम करती है। अब आप देखिए, इसे अन्यथा ना ले, मैंने पहले कहा मैं तार्किक आदमी हूं, कोई भी बात तार्किक कसौटी पे कहूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि बुद्ध बाबा साहब को फॉलो करूंगा। बाबा साहब लायक बेटे थे अपने महापुरुषों के, तो उन्होंने कबीरदास बुद्ध भूले का नाम रोशन किया, उनके लायक बेटे बने। हमें भी अगर वाल्मीकि की सच्ची औलाद बननी है, लायक बननी है, तो कलम पकड़नी पड़ेगी। अगर हम वाल्मीकि की फोटो लगाकर जय वाल्मीकि और लाल कपड़े में रामायण बांध के घर में रखे रहे, तो हम उनके नालायक बेटे होंगे। और हम जितने भी हैं नालायक बेटे हैं, क्योंकि हमने कलम नहीं पकड़ी, दूसरों का दिया हुआ सामान पकड़ा। अगर हम वाल्मीकि को माने भी, उनको अपने अंदर धारण भी करें, तो कलम वो चला रहे हैं, तो उनकी कलम हमें पकड़नी थी, और हमें शिक्षा के अलावा कोई काम नहीं करना था। लेकिन हम शिक्षा का कम, और बस ये सोच रहे हैं कि कब दूसरी नौकरी मिलेगी। एक ही नौकरी है, दूसरी की सोचते भी नहीं कि बस कैसी सीट खाली होगी, और परमानेंट वो भी नहीं है। तो साथियों, हमें अपने महापुरुषों की सच्ची संतान बननी है। सच्ची संतान वो होती है जो अपने पुरुषों को, उनकी विचारधारा को, उनकी जो संपत्ति है, उसे आगे बढ़ाती है। इस कड़ी में एक नाम और जुड़ता है, अभी वो नाम जुड़ता है माननीय मंत्री महोदय का, कि उन्होंने अपने महापुरुषों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे की दी हुई पदवी को छोड़ दिया, कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी पदवी, मुझे अपने बाप दादाओं का, अपने महापुरुषों का नाम रोशन करना है, उनकी विचारधारा आगे बढ़ानी है। इसलिए इन महापुरुषों की अच्छी संतान, लायक संतान की श्रेणी में माननीय मंत्री महोदय का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है, इसमें कोई शक्सुआ नहीं है। एक आदमी की पूरी जिंदगी चली जाती है चापलूसी करते 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 करते, एक मंत्री पद मिल जाए, और फिर उसको छोड़ने के चक्कर में मर जाता, पर छोड़ता नहीं। जब मैं छोटा था तो बाबा साहब की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी 91 में, तो बोट क्लब पे एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ था, प्रधानमंत्री भी वीपी सिंह थे, मौजूद थे, उनके साथ एक मंत्री और थे, उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अच्छी औलाद बिगड़ भी जाती है। तो उस समय एक नारा हुआ करता था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है, और उस बंदे ने दिया क्या जलाया, पूरी हेडलाइट वो ये हैलोजन लगा दी, आज उसी के घर में अंधेरा है, बाकी सॉरी उसी के घर में उजाला है, बाकी अंधेरा है। उस आदमी ने हर लोगों के, सभी लोगों के तले
निकलने चाहिए, पर अपना मंत्री पद बरकरार रखा के भाई मंत्री पद मुझे मिलना चाहिए, कुछ भी मिले समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो ये मैं उदाहरण बतौर आपको बता रहा हूँ, दो उदाहरण मैंने आपको दिए, माननीय मंत्री महोदय और दूसरा एक माननीय चले गए मंत्री महोदय। तो किसी शायर ने कहा है कि जमाना उसी को याद करता है जो इस जमाने को कुछ देता है, जो इस जमाने को कुछ देता है तो लोग उसे याद क्यों करेंगे, याद उसी को किया जाता है जो इस जमाने को कुछ देता है, और देता भी वो जो सर्व कल्याण की हो, बहुजन कल्याण की हो, सभी के कल्याण की हो, मानव के कल्याण की हो, तो उसे सर सभी लोग स्वीकार करते हैं, उसे अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे कार्य समय समय पर होते रहने चाहिए। अगर एक व्यक्ति हमारी आवाज बुलंद करने के लिए, हमें अच्छे विचार करने के लिए मंत्री पद ठुकराता है, तो हमें भी उसके साथ एक ऐसी पिलर बनके खड़ा रहना चाहिए ताकि भविष्य में कभी आगे जरूरत पड़ी तो वो ये कह दे कि मंत्री पद तो क्या, मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूं। और जान की बाजी तभी लगाई जाती है जब पीछे दिखाई देता है कि मेरे बाद मेरे बच्चों को, मेरे समाज को, मेरे उस बहुजन कंसेप्ट विचारधारा को संभालने के लिए मेरे पीछे मेरा समाज खड़ा है। कि जब भगत सिंह को फांसी होने वाली थी तो उनकी माँ मिलने आती है, तो उनकी माँ कहती है, देखकर रोती है भगत सिंह को, तो भगत सिंह कहते हैं कि माँ तू मुझे देखकर रो मत, क्योंकि तू रोएगी तो मेरे आंसू आएंगे, मेरे आंसू आ गए तो लोग ये कहेंगे कि भगत सिंह फांसी के डर से रो गए। ये तो बात ठीक है कि समय कुछ ऐसा है, परिस्थिति ऐसी है, मंत्री जी होते हैं यहाँ पे मौजूद तो बहुत कुछ ये चेहरे खिले होते हैं, लेकिन समय की ऐसी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज नहीं आई है। जय भीम, जय भीम। जोश की कमी हमेशा रहती है, वो आज भी है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, बहुत छोटी सी और थोड़ी सी ही बात है मेरी। पहली बात तो ये है कि अभी एक साथी ने बोला था कि महिलाओं का बहुत, महिलाओं बेटियों घर में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। जी हाँ, होता है रोल, क्योंकि एक बच्चे को जब वो जन्म देती है तो उसकी पहली टीचर उसकी माँ होती है। मानते हैं, जो मानते हैं एक बार हाथ खड़ा कीजिए। तो अगर सुधार की जरूरत है तो महिलाओं को भी है, घर में सबसे पहले महिलाओं का भी रोल है कि उनको पहले सीखना है कि ये मूर्ति पूजा, ये भगवान कुछ नहीं, हम ही भगवान हैं, हम भगवान हैं क्योंकि हम कर्म करते हैं। अगर मैं भगवान शब्द को खोलू ना तो भाषा भूमि होती है, भूमि से भूमि जो मेरे तलवे हैं, कैसे गगन होता है जो मेरा हेड है, वायु होता है मेरा श्वसन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे क्या होता है गगन, वायु, आ अग्नि, टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर, नस हमारा वाटर सिस्टम, पानी पीते हैं, यूरिन पास करते हैं, ये सारी चीज हमारे अंदर है, पांच तत्व हमारे अंदर, हम भगवान हैं, ठीक है। तो मैं महापुरुषों की तरह लेक्चर तो देने नहीं आई, बहुत सारी कमियां हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, अभी तक भी हमारे लोग एकजुट नहीं हुए तब से, कोई ऐसे मिलकर एक साथ आवाज नहीं उठी है। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो विशन जय भीम जैसे बाबा साहब की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती है, वोट कर नहीं आई है, इसकी कमी है, एकजुटता की कमी है, कहीं भी एक साथ नहीं खड़े हो रहे, इसी का ही फायदा बाहर के लोग उठाते हैं। ये सरासर राजनीति है जो हमारे साथ हो रही है, बहुत कम लोग हैं हमारे समाज में जो आवाज बुलंद करते हैं। राजेंद्र पाल जी जैसे महान
पुरुष का साथ देने के लिए आप सब हैं? आप सब हैं? बस साथ ही रहिएगा, मैं भी साथ हूँ, आप भी साथ रहिएगा। जय भीम, नमो नमः।